हेलो तो दोस्तों, क्या हाल है सब। किड गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम एक न्यू गेम प्ले में। और आज के इस एपिसोड में गाइस, एक बार फिर से हम खेलने वाले एक बिल्कुल नया हॉरर गेम। एंड बाय द वे, इस गेम में होने वाला है अपने स्पंजबोब। आई नो गाइस, तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये कार्टून जरूर से देखा होगा, और जिसने भी ये कार्टून देखा होगा उसको पता है कि ये कितना ज्यादा फनी कार्टून था। बट आई डोंट नो कि इसका हॉरर गेम कितना ज्यादा हॉरिफिक होने वाला है। और भाई, स्पंजबोब मेरे को अभी से इतनी क्रीपी क्रीपी आंखों से देख रहा है, क्या बताऊं मैं। खैर गाइस, लेट्स गो, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। एंड देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या एपिक होता है। तो गाइस, गेम की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। भाई ये पूरा इंट्रो डाला हुआ है यहां पे। ओके, ठीक है, पूरा इंट्रो नहीं है, मुझे लगा पूरा इंट्रो डाल रखा है जो कि कार्टून के अंदर आता है। इट वाज ए नॉर्मल डे इन अंडरवियर जेब सिटी। यू वर हंग्री एंड वांटेड ए ह्यूमन पेटी, सो यू डिसाइडेड टू गो टू द क्रंची कैंस रेस्टोरेंट। भाई ये किसके शौक होते हैं भाई, ह्यूमन पेटी खाने के, मतलब कि एक ह्यूमन को बर्गर बना के खाने का। भाई हेलो, वेलकम टू द क्रंची कैंस रेस्टोरेंट, वोट Can I get you? भाई मुझे ह्यूमन पेटी खानी है, जल्दी से दे दे। ह्यूमन पेटी। भाई यहाँ पे पूरे मेन्यू के अंदर ह्यूमन पेटी भरा हुआ है। I would like a human patty, please. Find a seat. I will tell you when it's ready. Okay, भाई हमें जाके बैठना होगा। ये बोल रहा है अभी। ओ हेलो, हु आर यू? गेट अवे फ्रॉम मी। अरे भाई मुझसे डर क्यों रहा है? मैं डरावना थोड़ी हूँ भाई। हेलो, ओके मैं वहां पे जाके बैठना है। बट बाय द वे, बाहर जो है ना, ओ नहीं मैं बाहर नहीं जा सकता वैसे, ठीक है अंदर ही रुकते। बाहर है ना वो नाच रहा था पेट्रिक, जो इसका फ्रेंड होता है वो स्टार फिश। फिर यहाँ पे बैठते गए थे एंड वेट करते कि अपनी ह्यूमन पेटी कितनी देर में आती है। ये देखो, ये रहा स्टार फिश। हेलो, प्रेस स्पेस टू स्टैंड अप। ओके ठीक है, ह्यूमन पेटी अपनी तैयार हो चुकी है, वैसे जाके लेके आते भाई। दे दे मेरे को मेरी ह्यूमन पेटी। इज माय ह्यूमन पेटी रेडी? इट्स ऑलमोस्ट डन बट वी रेन आउट ऑफ पेटीज सो इट माइट टेक लॉन्गर। ठीक है भाई, यहाँ पे इनकी पेटीज खत्म हो गई है, सो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। यू कैन गो टू द वेयर हाउस एंड गेट सम पेटीज। ठीक है भाई, मुझे बोल रहा है ये लाने के लिए, ठीक है। एंड वॉट एवर यू डू, डू नॉट गो टू द रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। ओके, ठीक है। ये मुझे पहले ही चेतावनी दे रहा है, पता नहीं क्यों। वहाँ पे शायद से स्पंज बोब रहता है डरावना वाला, इसलिए ऐसा बोल रहा है ये। खैर चलते हैं भाई, बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे। हेलो भाई, यहाँ पे पेटिस कौन से गुप्त थे? ने मैं छुपा रखी भाई, वहां से सामने से कोई तो निकला। वो है क्या, वो इसका मालिक है ना, क्रेबी पेटीज का, जो वो होता है केकड़ा, वही है शायद। ओ वैसे मुझे पेटीज मिल चुकी है, एक ही ले सकता हूँ क्या एक टाइम पे? ठीक है कोई बात नहीं, एक ही लेके चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो, यहाँ से राइट नहीं लेफ्ट, सॉरी हाँ लेफ्ट से ही आया था मैं, जहाँ तक मुझे याद है। यस, नाइस। मैं वैसे उसके पीछे जा सकता था, बट कोई बात नहीं, मुझे अभी से नहीं डरना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डरना बाकी है मेरे लिए। सो ये ले, बना दे जल्दी। ओ यू एक्चुअली मैनेज टू गेट ए पेटी फ्रॉम द कर्ज वेयर हाउस, गुड जॉब। भाई साहब वहाँ पे कर्ज था जो मुझे पहले भेजा है, क्यों तूने? नाउ गो इनसाइड द किचन एंड पुट इट ऑन द ग्लेट। मुझे एक बात बता, मैं तेरा कस्टमर हूँ या तेरा एम्प्लॉय है भाई? द किचन इज इन द फर्स्ट। भाई साहब ये सारे काम मुझसे ही करवा रहा है, वो ह्यूमन पेटी मुझे खानी है, यहाँ पे पैसे भी लेगा मेरे से और बनवा भी मेरे से रहा है। फिर यहाँ पे पका लेते हैं यार पेटी, लेट्स गो। एंड इट्स नॉट रेडी येट, आई हैव टू वेट एंड आई हैव टू टेक ए ब्रेड वाइल इट्स फ्राइंग। ठीक है, मुझे एक ब्रेड लानी है जो कि मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। लेट्स गो, एंड ये रख देते इसके ऊपर, एंड एक और ब्रेड पड़ी है ये, और ये बन गई मेरी। ये ह्यूमन पेटी कहाँ से हुई मुझे ये बता पहले तो भाई, इसके अंदर ह्यूमन का कौन सा पार्ट डला हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर अभी ये मैं खा सकता हूँ, इससे बात करनी है मुझे, बैठ के बस खाना है। अबे तेरे को क्या हो रहा है भाई, तेरे को खानी है क्या? ये लिखा मैं देता हूँ, मुँह में देता हूँ तेरे। नहीं यार तेरे को नहीं दे सकता मैं। खैर अभी बता भी मुझे क्या करना है। सिट डाउन एंड एंजॉय योर ह्यूमन पेटी। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैंने खुद ने बनाई है पेटी भी, और अभी मैं इसको खा सकता हूँ। लेट्स गो, और कुछ करना है मेरे को? प्रेस स्पेस टू स्टैंड अप, दैट ह्यूमन पेटी टेस्टेड लाइक माय ग्रैंडमास टॉयनेस।
इतनी बेकार थी क्या ये? That would be $78.99, please. भाई साहब इतने कैसे बन गए? काम मैंने किया यहाँ पे और पैसे भी ले रहा है मेरे से. बहुत ठीक है. I said that would be $87.99. भाई साहब ये प्राइस पे प्राइस बढ़ा रहा है, देख लो. Why the hell is this so expensive? Listen, there must be a mistake. I have only ordered a simple human patty. I said that would be 90. भाई ये क्या कर रहा है? हेलो भाई, यहाँ पे 78 से शुरू हुआ और 98 पे पहुँच गया ये. ओके ओके, चिल आउट. आई डोंट हैव $100 इन माई पॉकेट राइट नाउ. आई हैव ओनली $35. सो यू आर सेइंग यू डोंट हैव द मनी फॉर द ह्यूमन पेटी विद यू? यस भाई, नहीं है. नो आई मीन यस, आई हैव द मनी एट होम. आई कैन जस्ट गो एंड गेट इट फॉर यू राइट नाउ. ठीक है. सो यू आर सेइंग यू डोंट हैव द मनी फॉर द ह्यूमन पेटी विद यू राइट नाउ? यस भाई, यही बोल रहा हूँ भाई. तो इसको रिपीट क्यों कर रहा है, एक बार में सुन लेना है. नो आई टोल्ड यू आई डोंट हैव $100 विद मी राइट नाउ. यस ये नहीं, मुझे डर नहीं लगा. मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगा यहाँ पे. बट इसने मुझे कहीं तो बंद कर दिया है. हेलो भाई, जब इसको बहुत प्यार होता है भाई पैसों से, इस कारण से पैसों के मामले में तो ये मुझे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला था. बट अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा. और यहाँ पे ये देखो, लोगों को इसने लटका रखा है भाई, जिसने भी इसके पैसे नहीं दिए थे. और तू कौन है भाई? ये वही है जो रेसिपी चुराता है बार बार से. मुझे याद है सबसे बड़ा विलन यही होता है भाई स्पंजबॉब के कार्टून के अंदर. बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है? आर यू ओके? व्हाई आर यू स्टक इन द केज? आई वाज ट्राइंग टू स्टील द सीक्रेट फॉर्मूला. बट भाई ये गेम के अंदर भी फॉर्मूले के पीछे पड़ा है उस क्रेबी पेटी के. बट आई फेल्ड एंड मिस्टर क्रेब पुट मी इन दिस केज. भाई मैं निकालता हूँ तेरे को बाहर. हाउ डिड यू गोट स्टक इन दिस रूम? डिड यू ट्राई टू स्टील द सीक्रेट फॉर्मूला? नहीं भाई, मैं बस एक पेटी खाने आया था. नो, द ह्यूमन पेटी वाज टू एक्सपेंसिव एंड आई डिडंट हैव इनफ मनी टू पे इट बैक. आई नो मिस्टर क्रेब इज एंड यस यस, ये तो है वो. ये तो है वो. एनीवे आई विल ट्राई टू सेव यू फ्रॉम दिस केज. Let's go. Don't really try. Mr. Crab has locked the cage and sold the key. But good luck anyway. Thank you so much, भाई. इसको बाहर निकालने के लिए मुझे की चाहिए, जो कि हमें लेके आनी होगी. ओ, वैसे मुझे ये कोड भी डालना पड़ेगा. ये क्या है? एक स्टार बनी हुई, नहीं एक मछली है, फिर एक स्टार है, फिर एक ये है और एक ये है. इट सीम्स लाइक ए कीपैड. आई शुड फाइंड ए पास कोड. ठीक है भाई, हमें यहीं पे ढूंढना पड़ेगा. TYUI और ये सिंबल बने हुए हैं, देखते हैं. TO ये रहा. इतनी आसानी से मिल जाएंगे ये? हैं, एक तो ऊपर ही लगा हुआ है वो स्टार. TYUI क्या क्या लिखा हुआ था, मैं तो ये भूल गया. खैर यहाँ पे कुछ पड़ा है. A box with two balls inside it. They don't seems useful. ठीक है, ये useful नहीं है. But इनसे मैं interact कर सकता हूँ क्या? No, कुछ नहीं हो रहा भाई इनसे. Hello? No, कुछ नहीं हो रहा है. वैसे यहाँ पे तीन मछली. Okay, I get it. यहाँ पे देखो, एक दो स्टार फिश है. दो ही है ना? हाँ, दो स्टार फिश है. ठीक है, तीन मछलियाँ है और दो बॉल्स है. ठीक है, और तीन ये स्क्वायर्स है. ठीक है, मैं समझ गया क्या कोड. इतना आसान था भाई, इतना आसान. भाई साहब रुको, अबे इसके अंदर मुझे कोड डालना है. बट डालू कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. इट सीम्स, अरे मुझे कीपैड का लुक पता चल गया है. हेलो भाई, मैं इसको कोड को डालू कैसे अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. वो एक और इस साइड भी पड़ा है. ठीक है, तीन नहीं चार है यहाँ पे ये स्क्वायर बने हुए. समझा. अच्छा अभी समझा मैं. इसके अंदर TYUI जो लिखा था ना, वो कोड का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये इसके कीज थे भाई. यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ. तो मछलियाँ तो तीन है. ठीक है, तीन मछलियाँ एंड दो स्टार फिश एंड फोर स्क्वायर्स ऑफ बॉक्स. यू दबा के आएंगे ये एंड दो है अपने बॉल. लेट्स गो. आई दबा के ही आएंगे. सो लेट्स Go, हो गया काम अपना. एंड नाउ आई कैन ओपन. ओके, हो जा, अभी तो ओपन हो जा भाई. मैंने सही तो डाला है. तीन मछलियाँ, दो स्टार फिश, फोर स्क्वायर्स एंड दो बॉल्स. ठीक है, यही तो है कोड. स्टार फिश दो ही है वैसे, एक एंड दो. चार ये बॉक्सेस है, दो ये बॉल्स हैं. हेलो भाई, चार बॉक्सेस दो बॉल, सही तो डाल रहा हूँ मैं. हो तो गया है काम है. यू मैं एक करूँ क्या? पांच है यहाँ पे
वेट मिनट भाई, ओके ये इसको भी काउंट कर रहा है मैं भी, इसलिए सर ओके ये हो गया। ये देखो वो इसको भी काउंट कर रहा था, मतलब ठीक है भाई ठीक है, ये कर लो पहले। खैर मैं जाके अभी की लेके आता हूँ भाई, वो यहीं पे घूम रहा होगा मिस्टर क्रेब, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। आई हैव टू सेव द ग्रीन गाय फर्स्ट। ओके ओके ओके, मुझे ग्रीन गाय को सेव करना है पहले, फिर यहाँ से निकल सकता हूँ। और उसके लिए मुझे की लेके आनी पड़ेगी, जो कि पता नहीं कहाँ मिलनी है मेरे को। वैसे यहाँ पे ये पड़ा है, इससे मैं कुछ तो ओपन कर सकता हूँ, बाद में देखूंगा इससे क्या ओपन होता है, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेट्स गो, इससे या तो है ना कोई वो खुलेगा, देखना जो एसी का वो होता है ना डक होल, वही इससे खुलता है, बिकॉज भाई ये एसी जगह पे काम में आता है। ओ रुको रुको रुको, ये वाला गेट ऑफ है ना। ओके ठीक है, ये वाला गेट ऑफ है एंड ये वाला गेट ठीक है। द डोर इज लॉक्ड, आई शुड फाइंड अनदर वे टू एस्केप। हाँ मुझे लगा ही था, हमें ऐसी जगह ढूंढ रही होगी जहाँ से है ना इसको यूज कर सकते हैं, और वो मुझे मेरे सामने ही नजर आ रही है। लेट्स गो बॉयज, यही है। ओ नो, ये नहीं है क्या? ओके ठीक है, ये नहीं है, कोई और जगह है मतलब। मे भी ना मैं इससे इसका ताला तोड़ सकता हूँ ना, कि मुझे वो ढूंढना होगा ऐसे। नाइस, लेट्स गो, आ जा बड़ी मेरे साथ आ जा भाई, इसके अंदर मैं विलन की हेल्प। अबे साथ में आना, हेलो, अबे उससे बात करनी है क्या मेरे को कुछ? ओह अच्छा, मुझे इससे बात करनी थी। थैंक यू फॉर सेविंग मी, लेट्स गो एंड फाइंड ए वे आउट फॉर दिस प्लेस। लेट्स गो भाई, अभी चलेगा ये अपने साथ में, आ जा ब्रदर जल्दी से जल्दी, हमें यहाँ से जाना है। यहीं पे आ रहा था मार्क तो वैसे, यहाँ पे ओके यहाँ पे रखना था। ओह ठीक है, जिससे कि भाई उस मिस्टर क्रेब को पता नहीं चलेगी भाई कि कोई चीज उस जगह से हिली थी। नाइस, बहुत बढ़िया, लेट्स गो, अभी जा सकते हैं हम। एंड मिस्टर क्रेब बस जाते से मुझे अटेक ना कर दे। ओके कोई नहीं है यहाँ पे भाई साहब, अंधेरा बहुत भयंकर है। बस यहाँ पे यहाँ से जा सकता हूँ मैं? नोप, ये बंद है। अबे वो कहाँ रह गया? ओके ये रहा, आ जा भाई इस साइड आ जा चुपचाप से। हल्लो पीछे पीछे चल यार, मुझे डर लग रहा है। ठीक है यहाँ पे भी एक कोड डालना पड़ेगा मेरे को। नाइस, वैसे इस बार तो सीधा कोड ही मिलेगा, यहाँ पे कोई साइन वाइन नहीं बने हुए हैं, तो हमें वो कोड ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो, यहाँ पे खाली जगह ही है शायद से। यहाँ पे नो, यहाँ पे कुछ नहीं है। अबे तू मुझे डरा रहा है भाई, मिस्टर क्रेप नहीं डराएगा, उससे पहले तू डरा देगा मेरे को लग रहा है। तेरे शक्ल के ऊपर कोई कोड है? नहीं, इसकी शक्ल के ऊपर भी कुछ नहीं है। वैसे मैं वापस से इस साइड जा सकता हूँ? ओके मैं इस साइड जा सकता हूँ भाई, तो पहले बताना था ना शायद, यहाँ पे लिखा हो कोई कोड। वापस से क्या ये गेट ओपन होता है? नाइस, ये गेट पहले ओपन नहीं हो रहा था बट अभी ओपन हो रहा है ये। लेट्स गो, आई थिंक इसके अंदर मुझे कुछ मिल जाए। ओ भाई यहाँ पे विंडोज की साउंड डाली हुई है। अबे ये क्या है? क्लिक द लिंक टू गेट फ्री गिफ्ट कार्ड, थैंक यू। भाई रिक्रोल कर रहा है ये इस गेम के अंदर। ओ भाई मुझे नहीं चाहिए, वापस से इंटरेक्ट कर। ओके फाइव, ओके फाइव फाइव कोड कोड बता रहा है, फाइव लिखा है, 50। ओके 50, दो कोड हो चुके हैं, 8508। ठीक है 508 एंड लास्ट वन बता, जल्दी बता भाई, सच्ची में गिफ्ट कार्ड दिया इसने तो। 5089, 5089, लेट्स गो, 5089, 5089, 5089, 5089, 5089, 5089, 5089, 5089, लेट्स गो, 5089, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। इसी के साथ गेट हो चुका है ओपन, और मे बी इसके अंदर वो सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या बोल रहा है भाई ये? बट फॉर्मूला ही है ये क्रेबी पेटी वाला। और देखो ये भाई, ये क्या था? स्पंजबॉब भाई, मुझे लगा मैं स्पंजबॉब बना हुआ हूँ। ओके अबे मुझे इसे बच के भागना होगा। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा आराम से, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओह नो 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 नो, स्पंजबॉब नो भाई साहब, अभी जंप स्केयर मिलने वाले मेरे को, बहुत भयंकर वाले। ओके ओके ओके, एक रेस शुरू हो चुकी है यहाँ पे पूरी। अरे मैं कहाँ से जा रहा हूँ? ओ नो ये ऑफ है। ओके वो पास में आ गया मेरे,
बहुत पास में आ चुका है वो। कमोन 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 कमोन, मैं भाई मैं कहाँ से निकलूँ? ओके मुझे यहाँ पे कोड डालना है कोई तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट ये ऑफ है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। साउंड बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मे भी मेरा वॉइस ओवर डब जाएगा इस साउंड के नीचे। ओ नो, इस साइड कुछ नहीं है। ओके ओके, मिल गया रास्ता। गया मुझे लग रहा है, लगा ही था। ओ भाई ये क्या था? हेलो भाई, ऐसे पेटी बंटी हो? ओ भाई साहब, ओ पैट्रिक है भाई, ये शायद से पैट्रिक है ये। ओ ये बाहर ही खड़ा था वही था। कम ऑन भाई, थैंक यू फॉर प्लेइंग। मतलब इस गेम के अंदर मैं बच ही नहीं सकता था, कुछ भी कर लेता। अब क्या गेम था यार ये, सच्ची में। लास्ट में वैसे डरा नहीं पाया मेरे को स्पंजबोब, बट ठीक है, एक भी बार पकड़ में नहीं आया मैं। सो गाइस, आज के इस गेम प्ले में बस इतना ही। आई होप आपको जो स्पंजबोब का ये गेम प्ले जरूर से पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो उस लाइक वाले बटन पर क्लिक कर देना, एंड इसी गेम प्ले देखने के लिए इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको जो ये गेम प्ले कैसा लगा। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।